नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका इस बुलेटिन की शुरुआत गुजरात से आ रही बड़ी खबर के साथ करने जा रहे हैं। गुजरात बोर्ड की 12वीं की परीक्षा रद्द हो गई है। 1 जुलाई से शुरू होने वाली थी परीक्षाएं, लेकिन फैसला लिया गया है परीक्षाओं को रद्द करने का। कोरोना की वजह से ये फैसला लिया गया है। कल ही CBSE परीक्षा को भी रद्द करने का फैसला लिया गया था। अब गुजरात में भी परीक्षा रद्द करने का फैसला लिया गया है। जो अलग अलग स्टेट बोर्ड्स हैं वो अब फैसला कर रहे हैं कि आखिर 12वीं के छात्रों का क्या किया जाए। अब ये तय होगा कि कैसे असेसमेंट की जाए और कैसे रिजल्ट दिया जाए, किस आधार पर बच्चों को आगे बढ़ने के लिए नंबर्स दिए जाएं। पूरब पटेल न्यूज नेशन संवाददाता और जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। पूरब, तो गुजरात की सरकार ने भी फैसला कर लिया है CBSE के बाद परीक्षाओं को रद्द करने का। बिल्कुल, देखिए कल ही गुजरात सरकार ने एक टाइम टेबल जारी किया था परीक्षा का कि 1 जुलाई से गुजरात बोर्ड के 12वीं की जो परीक्षा है वो शुरू होगी। लेकिन जैसे ही कल भारत सरकार की CBSE बोर्ड ने ये फैसला लिया कि सारी जो परीक्षाएं है 12वीं कक्षा की वो रद्द कर दी है CBSE बोर्ड की, तो आज सवेरे मुख्यमंत्री विजय रूपाणी की अध्यक्षता में बैठक हुई जिसमें शिक्षण मंत्री और शिक्षा सचिव भी मौजूद थे। और आज गुजरात सरकार ने भी ये फैसला लिया है कि 1 जुलाई से शुरू होने वाली गुजरात बोर्ड की 12वीं की जो परीक्षाएं हैं वो रद्द कर दे। मैं आपको बता दूं कि इस साल 683,000 छात्र जो है वो ये परीक्षा देने वाले थे, और जैसे ही भारत सरकार का ऐलान आया वैसे ही तुरंत ही गुजरात सरकार ने भी अपनी मीटिंग बुलाई और फैसला लिया है कि 12वीं की जो परीक्षा है वो रद्द कर दी जा रही है। तो मैं समझता हूँ कि आने वाले दिनों में शिक्षण को लेकर ये कई सारी चुनौती होगी, क्योंकि किस हिसाब से 12वीं के जो छात्र है वो आगे में अपना इंजीनियरिंग, मेडिकल या फिर कोई एग्जाम है वो किस तरह से देते हैं, मेरिट पर एडमिशन कई किस कॉलेज में लिया जाएगा, तो कई सारी चुनौती है वो फिलहाल प्रशासन के साथ। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो गुजरात बोर्ड ने भी परीक्षाएं रद्द कर दी हैं 12वीं क्लास की। ये फैसला स्टेट बोर्ड की तरफ से लिया गया है, ये फैसला सरकार की तरफ से लिया गया है कि स्टेट बोर्ड को रद्द कर दिया जाएगा। हालांकि कल ही तारीखों का ऐलान किया गया था कि 1 जुलाई से परीक्षाएं होंगी, लेकिन CBSE पर फैसला आने के बाद सरकार ने परीक्षाएं रद्द करने का फैसला किया है।